नाउ सेक्शन बी देखेंगे 25 नंबर में इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 50 और देन एन फाइंड करना, तो हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो आंसर है वो एन इज इक्वल टू 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में सो मैंने एस एन का फॉर्मूला यूज करके आपको यूज करना है। यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है, डिफरेंस आपको 5 दिया हुआ है और एन इज इक्वल टू आपको 10 दिया, तो इसका जो आंसर है वो आपका 49 है। 27 नंबर फाइंड 30 फाइंड करना, तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं ए प्लस 20 90, तो इसका जो आंसर है वो 77 माइनस का है। नेक्स्ट 28 का जो आंसर है वो आपका है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। 29 नंबर का जो आंसर है आपका वो 160 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। देन 30 नंबर बैग कंटेंस 3 रेड एंड 5 ब्लैक्स, सो टोटल जो हो गया आप लोगों का वो 8 हो गया। सो फर्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट रेड बोलिए, तो रेड मीन्स 3/8 एंड नेक्स्ट वन ब्लैक पूछा है, सो ब्लैक इज अ 5/8। यहाँ पर आपको इसके क्या फाइंड करना है इक्वेशंस, तो इसके इक्वेशंस का आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 32 नंबर का जो आंसर है एक्स इज इक्वल टू -2 आएगा और एक्स इज इक्वल टू -5। फाइन 33 नंबर का जो आंसर है वहाँ पर एक्स की वैल्यू 1/4 एंड नेक्स्ट दूसरा भी जो उसका सॉल्यूशंस आएगा वो सो भी 1/4 आएगा। 34 नंबर का, सो 34 नंबर में साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, क्लियर। सो हमें कोस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सो इसका आंसर है √3/4 एंड सेकेंड जो होगा आपका टेन ए का आंसर 3/7। 35 नंबर का जो आंसर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट ये दो कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू समराइज करेंगे, सो यहाँ पे 210 45 की 1, तो 2 1 2 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका 2। 36 नंबर का जो आंसर है वो 10√3 मीटर्स दिया हुआ है। 37 नंबर का आंसर 4√2 यूनिट्स एंड 38 नंबर का आंसर 4 एक ग्रुप डेटा एल इज इक्वल टू दिया है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका आंसर जो मोड का है वो 52 है। सेक्शन सी जो वेटेज आपका 24 मार्क्स का था, जिसमें हमें मेन फाइंड करना है, फर्स्ट का जो आंसर है 39 का वो हमको दिया है 62। 40 नंबर का जो आंसर है 40 नंबर का जिसका आंसर है आपका 36.83। यहाँ तो आपको एक वो चैप्टर का था प्रूफ डेट करना था सर्कल का एंड देन 42 नंबर का इज सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो यहाँ पे आंसर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 है। 43 नंबर्स का देन यहाँ पर x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू आपकी 50 आएगी। 44 नंबर का फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर 290, तो इसके जो आंसर है आपके 11 एंड 13 है। 45 नंबर में आप पे A12, तो यहाँ पर आपको इक्वेशंस क्रिएट करनी है और फाइंड आउट करना है, तो दैट इज आंसर इज 246। 46 नंबर का आंसर है -7। 47 का आंसर आएगा आपका 7, पी की वैल्यू में वैल्यूज राइज करनी थी यहाँ पर एंड 48 का नंबर आंसर है आपका 400। फाइन उसके बाद 49 नंबर्स में आपको देखो क्या लिखा हुआ है, बी एन एस कार्ड, तो एस कार्ड आपको पता है कितने होते हैं टोटल 4, तो यहाँ पर 4/52 हो जाएगा आप लोगों का। फाइन 4/52 कैंसल आउट कर सकते हैं, 4 1 4, ओके सो 1 इधर वेन दैट इज 1/13 एंड नेक्स्ट नॉट एन एस, एस ना हो तो क्या होगा, सो 48/52 यहाँ पे हम कैंसल आउट करेंगे, तो कैंसल आउट कर देंगे हम लोग 4 के टेबल से, तो 4 12 टाइम्स में आ जाएगा और यहाँ पर 13, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12/13। नेक्स्ट रेड कलर एस, तो रेड कलर का एस कितने होते हैं 2, सो दैट इज 2/52, 2 1 2 एंड 26 टाइम में, तो इसका आंसर 1/26, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एज इट इज ऐसा ही है, 5 बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 वाइट, ओके रेड कलर, सो दैट इज 5/ यहाँ पे सब पर टोटल कर लो 5 8 13 13 + 4 17, दैट इज 5/17। सेकेंड वाइट यानी 8/17 नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन्स ना हो तो क्या होगा, दोनों होंगे रेड एंड वाइट, सो 15/, ओके क्लियर। सेक्शन डी में आपको ये थ्योरम दिए थे एंड लास्ट का जो 55 उसका आंसर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15 है।